चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करंट इन द गिवन सर्किट, इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी। इसमें एक सेल ये लगा हुआ है, एक सेल ये लगा हुआ है, 5 वोल्ट का ये है, 2 वोल्ट का ये है। तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, निगेटिव इधर है, इसका पॉजिटिव इधर है, इसका निगेटिव इधर है। तो ध्यान से देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, निगेटिव निगेटिव, इसका मतलब इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर होगा। जीतेगा कौन, 5 वोल्ट वाला या 2 वोल्ट वाला? तो आंसर ऑब्वियस बात है, 5 वोल्ट वाला जीतेगा। तो करंट ये सर्किट में फ्लो कराएगा, ऑब्वियस सी बात है, करंट यही फ्लो कराएगा, जो जीतेगा वही ना करंट फ्लो कराएगा, ठीक है। तो करंट इस ब्रांच में ऐसे फ्लो होगी, ये डायरेक्शन होगा करंट का, ये पॉइंट याद रखना है आपको, ये भूलना नहीं, करंट का डायरेक्शन जो टग ऑफ वॉर में जो जीतेगा वो फ्लो कराएगा, ठीक है, सही है ना। जो ताकतवर होगा वही ना, दो पहलवानों में जो जीतता है वही ना करंट फ्लो कराएगा, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब किरचॉफ का वोल्टेज लॉ इसमें अप्लाई कर दो, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करो, जिसको हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करो यहां से, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से घूमते हुए पूरा फिर यहीं पे आते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए। तो करंट की डायरेक्शन में है, तो प्लस 10 into I, इसके बाद है निगेटिव पहले आया, पॉजिटिव बाद में आया, माइनस 5 वोल्ट हो गया। फिर इसके बाद से करंट की डायरेक्शन में है, तो फिर से प्लस 20 into I, पहले पॉजिटिव आया फिर निगेटिव आया, इसका मतलब है प्लस 2 = 0, करेक्ट है, सही है। अब इन तीनों में सबसे पहले ये आया 20 + 10 = 30 I, और ये कितना आया -3 = 0, I = 3/30, 3/30 1/10 हो जाएगा, I = 0.1 एम्पियर होगा, 0.1 एम्पियर कौन सा, ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।